दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसा कोई शेयर है जो आपको हजारों परसेंट का प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आपके लिए है ये वीडियो वीडियो को पूरा देखिएगा एम के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में जिसे हम विशेष इन्फोटेक लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं और एम पी लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे इसमें बहुत बड़ा आज न्यूज है जो कि आपको मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा भी और प्रूफ के तौर पे आप देखोगे भी ठीक है सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा सो लेट्स बिगिन दोस्तों तो एम पी एस इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी जो है आई टी सेक्टर की कंपनी है इसके सोल्यूशन आप दे सकते हो बिजनेस सॉफ्ट बिजनेस प्रो इसका इन सब का रेंगडो माइंड का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है इसकी सर्विस जो है एंटरप्राइजेज सॉल्यूशन और ई बिजनेस का सर्विस प्रोवाइड कराती है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सोल्यूशन ठीक है बायोमेट्रिक का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है और यहाँ पर इसे क्लाइंट्स का बेस देखते हैं तो क्लाइंट बेस में बीबीसी और डीसीएम ये सब इसके क्लाइंट बेस में आते हैं तो कंपनी का जो सेक्टर है वो आई सेक्टर है तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे इसकी फंडामेंटल्स तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का मार्केट कैप दो करोड़ का है छोटी सी कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी है बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है और कंपनी के पास इकसठ हजार करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है देखो इतनी छोटी कंपनी है और उसके पास इकसठ सॉरी सॉरी मैंने गलत बोला इकसठ करोड़ का इकसठ करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है जो कि एक छोटी कंपनी के पास इतना रिजर्व होना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है और करंट लाइबिलिटी इसके पास अड़तालीस करोड़ की है और करंट एसेट्स देखे हो तो एक करोड़ का है तो ये बात तो क्लियर है कि कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हैं और किसी कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा होते हैं तो वो बहुत अच्छा साइन माना जाता है पॉजिटिव साइन आप बोल सकते हो यहाँ पर हम बात करते हैं डेट कंपनी के पास तेईस करोड़ का डेट है और रिजर्व कितना है एक करोड़ का तो आप इसको डेट फ्री बोल सकते हो कंपनी डेट फ्री है क्योंकि कंपनी जब चाहे तब दे सकती है ठीक है क्योंकि एक्सर करोड़ तो इसके पास पड़े हुए हैं और डेट केवल तेईस करोड़ का है तो कंपनी के पास डेट भी मतलब कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के पास एसेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू लाइवलिटीज़ के और कर, और यहाँ पर क्या है आर ओ तो आर तो इनका बहुत कम होगा होगा ही नहीं क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है इसलिए बाकी मैं आपको बता दूं कंपनी का जो सेल्स है उसमें भी कुछ खास ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है एक 1.5 करोड़ से आप देख सकते हो 0.18 हो गया है कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रहा है बाकी यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कभी प्लस में कभी माइनस में ऐसा चलता रहता है ठीक है यहाँ पर मैं बोरिंग की बात करता हूँ तो बोरिंग हमने ऊपर देखी थी तो यहाँ पर हम एक बार सराउंडिंग पैटर्न देख लेते हैं थर्टी वन परसेंट से प्रोमोटर्स की होल्डिंग वन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट रह गई है ठीक है और यहाँ पर पब्लिक के पास जो होल्डिंग है नाइन्टी एट परसेंट की होल्डिंग हो गई है तो दोस्तों पैनी शेयर में होता क्या एक्चुअली पैनी शेयर में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आप ये देखोगे कि, कि सारे पैरामीटर्स आपके पास मतलब इस कंपनी के पास हों तो वो चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि छोटे शेयर इसी बात कहते हैं तो छोटे शेयर है अगर ये सारे फंडामेंटल वाइज स्ट्रांग हो तो ये बड़ी कंपनी होती है ठीक है तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है इसमें कंपनी के पास डेट नहीं है कंपनी डेट फ्री है कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेरिजन और लेवल के ठीक है और यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप दो करोड़ का है तो यहाँ पर हमने देखा है कि कंपनी आई टी सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसके अलावा कुछ और चीज़ भी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देखोगे क्लाइंट्स बेस में तो यहाँ आपको देखने को मिला सम ऑफ द कंपनी कस्टमर इंक्लूड डेम्स लाइक जी कैपिटल हटसीसन एस आर टेलीकॉम ब्रिटिश टेलीकॉम भारतीय सेलुलर भारतीय टेलेंट रिलायंस टेलीकॉम दहली स्टॉक एक्सचेंज टाटा हनी वेल टाटा केमिकल्स श्री राम रोय तो ये इसने बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज के क्लाइंट्स हैं इनके साथ इसका काम है बिजनेस है इसका ठीक है तो इससे हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी के क्लाइंट्स क्या क्या हैं और कंपनी के पास डेट भी नहीं है कंपनी डेट फ्री है ठीक है कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक बार हम चार्ट भी देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है मार्केट कैप तो हमने देखा ही था बहुत छोटी कंपनी है और मैं मैगजिम चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी में ये गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद शानदार रिटर्न निकाल के दिया था उसके बाद यहाँ पर गिरावट हुई उसके बाद शानदार रिटर्न ये गिरावट हुई उसके बाद शानदार रिटर्न निकाल के दिया तो क्या अभी हम इसको बाय करके चल सकते हैं मैंने वन ईयर का चार्ट ओपन कर रखा है एक साल में इसने कंपनी ने काफ़ी रिटर्न निकाल के दिया था आप देख सकते हो एक का रिटर्न ठीक है एक हजार परसेंट का रिटर्न निकाल दिया था इस कंपनी ने उसके बाद एक कंटिन्यूसली ग्रावट देखने को मिल रही है तो क्या अभी हम इसमें बाय कर सकते हैं बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हो ये ओवर बोर्ड जोन नहीं है यहाँ पर एंट्री टाइम बन रहा है एंट्री टाइम बन रहा है, है। यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हो ठीक है और एक भी एक बात हमेशा रखा करो जब भी आप पैरी शेयर में इन्वेस्ट करो आपका पैसा दो तीन चार गुना हो जाए तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लिया जाए कर लिया करो ठीक है क्योंकि आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आप ट्रैप्ड हो सकते हो बाकी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा यहां पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आज इसमें एक जो क्वांटिटी उठाई गई है वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई गई है मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे देखो यहां पर आप देखोगे इसमें एनएसए की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखते हैं तो लाखों की क्वांटिटी में इसमें शेयर उठाए गए हैं आप देखोगे यहां पे देखो सैतालीस लाख नौ सौ अस्सी शेयर सेंट की डिलीवरी उठाई गई है ठीक है तो ये चीज है इसमें सैतालीस लाख नौ सौ अस्सी शेयर उठाए गए हैं हैं और की डिलीवरी उठाई गई है 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 तो ये कौन लोग है? इनको पता है कि पर एंट्री टाइम बन रहा है। देखो अब कुछ सर कुछ फ्रेंड्स हमारे कमेंट्स करेंगे कि प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बेच के निकल रहे हैं कंपनी की शेयर भी कुछ नहीं है तो दोस्तों ये पैनी शेयर है शेयर में किसी में किसी में तो बिल्कुल नहीं होती होल्डिंग किसी किसी में होती है इसमें वन पॉइंट कुछ परसेंट की होल्डिंग फिर भी है ठीक है तो ये पेनी शेयर है इसमें आप ये चीज मत देखा करो बाकी आपको मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन करके दिखा दूँ तो आपको देखने को मिलेगा कई बार ये ऐसा रिटर्न रिटर्न निकाल के दे चुका है बीच में तो आप इसमें क्या है हजार पंद्रह सौ देखो सत्तर पचहत्तर रुपये का शेयर पैसे का शेयर है ठीक है अगर हजार पंद्रह सौ रुपये आप इसमें लगा के छोड़ दोगे ना तो जिस टाइम ये चलेगा तो हज़ार पाँच सौ परसेंट का रिटर्न तुरंत निकाल के दे देगा और आपके हज़ार रुपये कब आपके दस बीस हज़ार में परिवर्तित हो गए कन्वर्ट हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा तो ऐसे पेनी शेयर में आपको पैसा लगा के रखना चाहिए ठीक है बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा दूँ यहाँ पर जो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा था कि वीडियो का अंत में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको देखा रखा है देखो सत्तावन परसेंट लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं बाई, बाई कर और यहां पर रेड फ्लैक्स एस लिस्ट में चल रही है ठीक है और एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट अच्छा गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवर जोन ओवरबोर्ड जोन में नए कंपनी में आप यहां पर बाय करके चल सकते हो जिन लोगों के पास शेयर है उसको होल्ड करना चाहिए ठीक है अगर आपने लाखों रुपए लगा रखे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ उन, उनको होल्ड करने के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ आपने लगाए ही क्यों मैं तो बस पहली सिर में हजार पंद्रह सौ रुपये ही लगाने की बोलता हूँ इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं ताकि आप उसको होल्ड करे रहो जिद्दी बन जाओ जिद्दी जब तक वो पैनी सिर आपको रिटर्न निकाल के ना दे दे तब तक आप उसको बेचो मत क्योंकि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हजार पंद्रह सौ रुपये आप तक आपको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है तो आप जिद्दी बने रहो जब तक निकाल के जरूर देगा क्योंकि ऑपरेटर्स सक्रिय जरूर होते हैं तो जब ऑपरेटर सक्रिय होंगे तो आप भी उसके साथ पैसा बना के निकल जाओगे ठीक है और रेड फ्लैग में चल रहा है तो अभी रेड फ्लैग में है शेयर तो ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब बनाओ